नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम भारत के राष्ट्रपति का पार्ट टू ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है राष्ट्रपति, और इसका एक पार्ट हम करवा चुके हैं, आज पार्ट सेकंड ले रहे हैं इसका। देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। काफ़ी बड़ी वीडियो थी और उसमें हमने हर चीज़ का स्पष्टीकरण दिया। राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद उसको शपथ ग्रहण कराई जाएगी, शायद यहाँ तक हम बता चुके हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो जब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है इसके बारे में कई सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। कौन सा है? अनुच्छेद 60। सबसे पहली तो चीज़ यही होगी कि राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण कराई जाती है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये मुझे लग रहा कि यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। लेकिन अगर बाई चांस मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो अगर उस समय जिस दिन राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है उस दिन बाई चांस मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब इतना तो सभी जानते हैं भाई, थोड़ा सा और बढ़ते हैं शपथ के बारे में ही। देखिए, शपथ जो लेते हैं राष्ट्रपति और अन्य व्यक्ति, उनमें एक अंतर होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ध्यान से सुनना भाई इसको, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि भाई हम पद का सम्मान रखेंगे और उसमें संबंधित जो बातें हैं उनको सीक्रेट रखेंगे। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो संविधान का पालन की शपथ लेते हैं, संविधान का पालन करेंगे, ठीक है, संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, ऐसी शपथ भी ली जाती है बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है? पहला, पद एवं गोपनीयता की शपथ। दूसरा, संविधान का पालन करने की शपथ। ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वो ली जाती है संविधान की रक्षा करने की शपथ। भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इस शपथ को लेते हैं, याद रखना है भाई। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं संविधान का पालन करूंगा, वो कहते हैं मैं संविधान की रक्षा करूंगा। इसके साथ लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है वो संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ होती है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। क्योंकि अगर सवाल हम लीक से हटकर बनाते हैं तो इस तरह का भी सवाल बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, पद गोपनीयता की, संविधान का पालन की, संविधान की रक्षा की, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है संविधान की रक्षा की, ठीक है। दूसरी बात भाई, अभी ये क्लियर हो गया आपको कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है वो संविधान की रक्षा की शपथ ली जाती है, अन्य सभी से थोड़ा लीक से हटकर है। एक प्रथा और चली हुई है हमारे यहाँ पर। प्रथा क्या है कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। याद रखना, ऐसा संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे, लेकिन प्रथा चली आ रही है। और ये प्रथा जो है लगभग पिछले 40-42 वर्षों से चली आ रही है, जबकि श्री नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित होते हैं उसके बाद के सभी राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की है, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद चलते हैं, तो
बस मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति कब शपथ लेते हैं, ऐसा संविधान में क्या लिखा हुआ है, कौन सी डेट को लेते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक रूढ़ी बनी गई है, प्रथा बन गई है कि भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे। ठीक है भाई, अब राष्ट्रपति जी ने शपथ ले ली। शपथ लेते ही उनको सारे अधिकार, विशेष अधिकार, सारी शक्तियां प्राप्त हो गई। पहली बात आती है राष्ट्रपति का कार्यकाल की। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या कार्यकाल में भी हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाननी चाहिए? हाँ जी, इसी में भी है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित भी कुछ चीजें हैं। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अब इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी चीज आने वाली है, उसका भी ध्यान रखिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये क्लियर है। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। क्या तीसरी बार भी चुना जा सकता है भारत में राष्ट्रपति? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ऐसा नहीं है वो 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार वाली जो बाउंडेशन है वो अमेरिका में है, भारत में 2 बार वाली बाउंडेशन नहीं है भाई। ठीक है, दूसरा भाई, तो कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। इसके बाद इस कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति का पद कुछ स्थितियों में रिक्त हो सकता है। अब रिक्त यानी खाली हो सकता है, ठीक है, रिक्त हो सकता है या खाली हो सकता है, वो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है मृत्यु होने पर, दूसरी कंडीशन है त्याग पत्र, और तीसरी कंडीशन है महाभियोग। ये 3 कंडीशन है जिनमें राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। ठीक है, मृत्यु होने पर, यानी कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। त्यागपत्र देकर यानी इस्तीफा देकर रिजाइन करके भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। और तीसरी है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इंग्लिश वाले इस शब्द को शायद नहीं जानते होंगे, तो इसलिए इम्पीचमेंट। अभी हम इन सभी के बारे में क्लियर बताएंगे। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में 5 वर्ष है, लेकिन इन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है समय से पहले भी। ये 3 विशेष परिस्थितियां। अब हम तीनों परिस्थितियों के बारे में देखते हैं। पहला कारण था मृत्यु होने पर। क्या भारत में ऐसा हुआ है कि भारत में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है कार्यकाल के दौरान? जी हाँ, अब तक 2 बार ऐसा हुआ है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और श्री फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, सिर्फ 2, याद रखना भाई। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है त्यागपत्र, मृत्यु में यही बन सकता है, दूसरा त्यागपत्र। तो पहली बात आती है राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या होता है? तो यहां पर संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा तो उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य है कि उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देगा।
ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति का वहां पर एक कर्तव्य बनता है कि वो इस त्यागपत्र की सूचना स्पीकर को दे। ठीक है भाई, ऐसा क्यों व्यवस्था की गई? देखिए, राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, देश का राजा होता है, और ऐसी स्थिति में लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें आगे की व्यवस्था करनी है, तो इसकी सूचना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब लोगों का सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर को उपराष्ट्रपति सूचित करेगा, जिससे का मतलब है कि संसद को सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन फिर बहुत सारे भाई कहेंगे कि उपराष्ट्रपति ने केवल स्पीकर को सूचना दी, यानी लोकसभा तक बात पहुंचाई, राज्यसभा तक क्यों नहीं? तो भाई राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना राज्यसभा तक तो पहले ही पहुंच गई, फिर लोकसभा तक पहुंचाने के लिए उस बात को स्पीकर को सूचित किया जाएगा। भाई उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यह भी क्लियर हो गया। ओके, तो यह था त्यागपत्र के बारे में। त्यागपत्र के बारे में बहुत अच्छा सवाल बन सकता है आपके लिए कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पहला कर्तव्य क्या है? ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पहला कर्तव्य है, वह इसकी सूचना किसको देगा? स्पीकर को देगा। किस राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री को नहीं देगा, उपसभापति को नहीं देगा, किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देगा। यह क्लियर हो गया। तीसरी स्थिति आती है महाभियोग। बहुत अच्छा है महाभियोग। महाभियोग के बारे में हमारे पास दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56 और दूसरा अनुच्छेद है 61। याद रखना भाई, सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलता है, लेकिन महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 56 में भी लिखा हुआ है। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अनुच्छेद 56 कहता है कि महाभियोग क्यों लगेगा, किस परिस्थिति में लगेगा, क्यों यानी किस परिस्थिति में, ऐसा अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग कैसे लगेगा, क्या प्रक्रिया होगी, यानी कैसे या क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। ये विशेष तौर पर आप इसको नोट कर सकते हैं कि महाभियोग लगने का कारण कहां पर लिखा हुआ, अनुच्छेद 56 पर, और महाभियोग प्रक्रिया क्या है, यह अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। दोनों में बिल्कुल क्लियर कर लेना भाई, ज्यादातर ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई, कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कहां पर उल्लेख है तो अनुच्छेद 61 है, वही आएगा। लेकिन अगर बाय चांस डीप पूछे तो दोनों पर ध्यान देना आपको। आ जाते हैं क्यों और किस परिस्थिति में। तो पहला अनुच्छेद 56 जो कहता है, जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल भी है ना, वहीं पर इन्होंने लिख दिया था राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन महाभियोग क्यों लग सकता है, क्या कदाचार के लिए लग सकता है? कदाचार के लिए लग सकता है क्या? नहीं लगेगा भाई। पागल दिवालिया होने पर लग सकता है क्या? नहीं लगेगा भाई। पागल या दिवालिया होने पर लग सकता है? नहीं लगेगा भाई। कदाचार का दोषी पाए जाने पर लग सकता है क्या? नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 56 में एक ही चीज लिखी हुई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक कंडीशन में लग सकता है, और वो क्या है, वो है संविधान का उल्लंघन करने पर। संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने पर या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने पर ही लग सकता, और कोई कंडीशन में महाभियोग नहीं लगेगा भाई। ये क्लियर है भाई? अच्छा जी, तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता तो उस पर महाभियोग लगेगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, कैसे लगेगा, अनुच्छेद 61 में। अब अनुच्छेद 61 पर आते हैं। अनुच्छेद 61 यानी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है सर? राष्ट्रपति पर महाभियोग, पहला सवाल बनता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां लगेगा। तो याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलेगा वो संसद में चलेगा, ठीक है।
संसद में, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलती है? संसद में चलती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलती। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन महाभियोग चलेगा संसद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, सभी जानते हैं। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां शुरू होगी? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया यहां भी शुरू हो सकती है या यहां भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इसमें भी शुरू हो सकती है, इसमें भी शुरू हो सकती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया शुरू होने का कारण क्या है? पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है, स्टार्ट कहां से होती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी। तो आंसर है दोनों में से किसी में भी। ठीक, दूसरी बात देखिए, हो सकता है लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है राज्यसभा से स्टार्ट हो। स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है कि जो जिस सदन में शुरुआत हुई है उसके कुल सदस्य संख्या का 1/4 इसका प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में शुरू हो रही है उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। यानी कि अगर राज्यसभा में हो रही है तो 245, ठीक है, अगर लोकसभा में हो रही है तो भैया 545। इसका 1/4 और इसका 1/4, कम से कम इतने सदस्य ही इस प्रस्ताव को लाएंगे। तो यहां पर इसका बैठता 61, इसका चौथाई 61.25 बैठता, तो 62। यानी राज्यसभा में महाभियोग प्रक्रिया तब शुरू होगी जब कम से कम 62 सदस्य इसको कहें। ठीक है, लेकिन अगर यहां की बात करते हैं तो इसका चौथाई करें 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, सही 1/4, यानी कि 137। लोकसभा में 137 सदस्य इस प्रस्ताव को लाएंगे तो, ठीक है भाई, 137 यहां 62 यहां पर, यानी जिस सदन में शुरुआत हो रही है महाभियोग की उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 इसको प्रस्ताव को लाएंगे। याद रखना, मैं प्रस्ताव ला रहा हूं। इसके बाद जैसे ही प्रस्ताव लाया गया उस पर कार्यवाही शुरू करने से पहले, ध्यान से सुनना भाई, कार्यवाही शुरू करने से पहले, मान लिया राज्यसभा में लाया गया या मान लिया लोकसभा में लाया गया, तो कार्यवाही शुरू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यह भी विशेष ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है कि राष्ट्रपति को उसके महाभियोग की प्रक्रिया मतलब चलाने के लिए कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन पहले, मतलब प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव लाने के बाद उस पर कार्यवाही होगी, कार्यवाही के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। जब राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति को अथॉरिटी है कि वो जिस भी सदन में प्रस्ताव जा रहा है उस सदन में अपनी बातों का स्पष्टीकरण दे सकता, अपना पक्ष रख सकता है। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा में उपस्थित होकर अपनी बातें रख सकता है कि भाई आप ये सोच रहे हो, मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो ये किया है, मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। तो राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का हक है। जैसे कि हम किसी भी कोर्ट की बात करें तो जो मान लिया कोई मुजरिम होता है तो उसको भी की भी बात सुनता है कोर्ट। ठीक है, तो इतना बड़ा हमारा, इतना गरिमा का पद है तो उनको भी ये अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को कि वो अपनी बातें रखें, तभी ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए राज्यसभा लोकसभा में उनको अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, अगर राज्यसभा ने उसका 2/3 बहुमत से उसको पास कर दी, 2/3, याद रखना बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत। बहुमत का मतलब होता है जितने वोट डले हैं उसका क्या बोलते हैं, जितने वोट डाले गए हैं उसमें ज्यादा ने डाल दिया तो, लेकिन 2/3 का मतलब टोटल का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3, याद रखना कुल सदस्य संख्या का 2/3 अगर वो पास हो गया,
ये वोट वालों का नहीं है, ये कुल का है। कुल का दो तिहाई ने अगर इसको पास कर दिया तो राष्ट्रपति पर पहले राज्यसभा से महाभियोग पास माना गया। अब मान लिया राज्यसभा में शुरू हुआ था, फिर लोकसभा में पहुंचता है, लोकसभा में पहुंचने पर हो सकता लोकसभा उस बहुमत मतलब महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दे, हो सकता फेल कर दे। ऐसा हो गया कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने फेल कर दिया, या लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने फेल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में वो महाभियोग का प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या भाई ऐसे में संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? तो याद रखना, महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जा सकता। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, यह ध्यान रखना विशेष तौर पर। बहुत अच्छा सवाल है। महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ओके, एक ने पास कर दिया, दूसरे ने फेल कर दिया, तो काम खत्म। पहले ने पास किया, इसने फेल किया, काम खत्म। ठीक है, दोनों ने पास कर दिया, महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया, जिस दिन दूसरे सदन से भी पास होगा, पहले राज्यसभा ने किया फिर लोकसभा ने, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। पहले लोकसभा ने किया फिर राज्यसभा ने किया, तो राज्यसभा ने जिस दिन किया उस दिन माना जाएगा। पहले इधर हुआ फिर इधर हुआ, जब ये कर देगा तो उसी दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, अब दूसरी चीज आती है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका रोल क्या होता है? तो भाई याद रखना, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, ये सभी जानते हैं, लेकिन महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। ये जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, चुनाव में वोट नहीं डालते, लेकिन महाभियोग की स्थिति में वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, सॉरी महाभियोग की प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते लेकिन महाभियोग में हिस्सा लेते हैं? तो आंसर है मनोनीत सदस्य। दूसरा एक सवाल और बनता है, ऐसे सदस्य जो चुनाव में तो वोट डालते हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होते। तो महाभियोग कहाँ चल रहा है? केवल संसद में, विधानसभाओं में तो नहीं चल रहा। तो विधानसभा के सदस्य जो MLA होते हैं, चाहे वो राज्यों के हैं चाहे केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं भाई, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल रहे हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं भाई। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको महाभियोग समझ में आ गया होगा। तो महाभियोग के लिए दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, ये भी क्लियर हो गया। अब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जैसा मैंने बताया कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो दूसरा पद ग्रहण कराना है वो 6 महीने के अंदर कराना है, लेकिन ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये 6 महीने की स्थिति कहां पर है? ये 6 महीने की स्थिति है त्यागपत्र की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में, या महाभियोग की स्थिति में। लेकिन अगर नॉर्मल चल रहा है तो राष्ट्रपति, नॉर्मल कंडीशन में राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता, यानी कि राष्ट्रपति का पद नॉर्मल कंडीशन में रिक्त नहीं होता। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में रिक्त होता तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे। दूसरा, सपोज कीजिए कि एक ए नाम के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल 3.5 वर्ष कंप्लीट हो चुका था, बाकी था 1.5 वर्ष। इस 1.5 वर्ष की अवधि अभी बाकी थी इनका कार्यकाल होने में, और किसी भी कारण से, चाहे इनकी मृत्यु हो गई या इन्होंने त्याग पद दे दिया या महाभियोग लग गया, ऐसी स्थिति में इनका पद मान लिया रिक्त हो गया, तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। कब कराए जाएंगे? 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति को लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये बात, जब इनका पद रिक्त होता है, 1.5 वर्ष का कार्यकाल बच रहे थे, दूसरे चुनाव हुए, दूसरे चुनाव होने पर बी आ गए और बी राष्ट्रपति बन गए, तो याद रखना ये पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे, वो 1.5 वर्ष के लिए नहीं चुने जाएंगे। अगर बीच में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है और उन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने पड़ते हैं, तो चुनाव कराने के बाद क्या होता है, वो अपने जो नए राष्ट्रपति चुन कराएंगे वो पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल करेंगे,
पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, वो बाकी बचे हुए समय के लिए नहीं करेंगे। सपोज कीजिए कहीं पर एमपी या एमएलए है, कोई एमपी है या एमएलए है, इनका पद रिक्त हो जाता कई बार। ऐसी स्थिति में इनके लिए जो चुनाव कराए जाते हैं जिन्हें हम उपचुनाव बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन उपचुनाव के लिए जो सदस्य चुनकर आते हैं वो शेष कार्यकाल के लिए आते हैं। मालूम होगा आपको ये शेष कार्यकाल के लिए आते हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट आएंगे तो वो पूरे कार्यकाल का निर्वहन करेंगे, ये ध्यान रखना विशेष तौर पर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अभी हमने बताया पांच वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पद रिक्त हो सकता है, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग। दो की मृत्यु हुई अभी तक, त्यागपत्र चलते रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। लगना तो छोड़ दीजिए, प्रक्रिया महाभियोग का मुद्दा भी नहीं उठाया गया अभी तक हमारे यहां पर किसी भी राष्ट्रपति पर, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो क्या होगा? तो भाई देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसके कार्यभार को संभालेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनके कार्यभार को संभालेंगे उपराष्ट्रपति। अगर बाई चांस उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है तो उनके कार्यभार को संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो संभालेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे, ऐसा हमारे संविधान में व्याख्या की गई है, ठीक है। और ये कब तक संभालेंगे? जब तक कि पूर्णकालिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। जैसे ही पूर्णकालिक राष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो इनका पद हटा दिया जाता है, इनको कार्यमुक्त कर दिया जाता है। एक बात और, अगर इनमें से कोई भी राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है तो उन्हें वो सारी शक्तियां, वो सारे अधिकार मिलेंगे जो कि पूर्णकालिक राष्ट्रपति को मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या अभी तक देखिए ऐसा हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को पद संभालना पड़ा हो? जी हाँ, एक बार ऐसा हुआ है भारत में कि राष्ट्रपति का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संभाला। तो लिख लेना इस चीज को कि भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। ये कैसे हुआ? देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरिजी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई मृत्यु, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी समय पहले बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई। वीवी गिरी यानी वराह वेंकट गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर उन्हें लगा मुझे तो चुनाव लड़ना चाहिए, मैं पूर्णकालिक राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति में वीवी गिरी जी ने भी इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति की मृत्यु और उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो नतीजा क्या हुआ? फिर हमारे मुख्य न्यायाधीश को पद संभालना पड़ा। एक ही बार हुआ ऐसा, और वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है भैया। तो ये था राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार और विशेष शक्तियां। पहले हम बात करते हैं विशेष अधिकारों की। विशेष अधिकार का मतलब क्या है? जो ऐसे अधिकार जो कुछ लोगों को ही मिलते हैं, विशेषाधिकार, ठीक है। देखिए, जैसे अभी हम बात करें, भारत में हम सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है, लेकिन कानून के समक्ष, विधि के समक्ष समानता तो है, लेकिन क्या किसी को इसमें कुछ छूट मिली हुई है, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं? हमारे एमपी वगैरह जो होते हैं, मालूम होगा कि अगर संसद की कार्रवाई चल रही है तो उन पर कानूनी कार्रवाई चलाने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो विशेष अधिकार होते हैं।
लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी को उससे भी ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा विशेष अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है, महामहिम राष्ट्रपति जी। ठीक है, आ जाते हैं, क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, पहली चीज जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी के विशेष अधिकारों के बारे में, तो राष्ट्रपति जी को किसी भी न्यायपालिका द्वारा, भारत के अंदर कोई भी न्यायपालिका है, कोई भी कोर्ट है, ठीक है, कोई भी कोर्ट है या न्यायपालिका है, चाहे वो हमारा सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, याद रखना कोई नोटिस या कोई समन नहीं भेज सकती। ठीक है, कोई भी भारत की कोई भी न्यायपालिका राष्ट्रपति को कोई नोटिस नहीं भेज सकती, कोई समन नहीं भेज सकती। पहला विशेष अधिकार ये है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति पर ना ही कोई मुकदमा चल सकता है जब तक वो अपने पद पर है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, ना तो कोई सिविल और ना ही क्रिमिनल, ना दीवानी ना फौजदारी, कोई मुकदमा राष्ट्रपति जी पर नहीं चलाया जा सकता है भारत के किसी भी न्यायालय में। ना नोटिस भेजा जा सकता है, ना ही मुकदमा चलाया जा सकता है। और जब इतना नहीं हो सकता तो गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। राष्ट्रपति को किसी भी कंडीशन में पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये विशेष अधिकार राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद इनसे अलग कुछ विशेष अधिकार और हैं, जैसे कुछ विशेष सुविधाएं कह सकते हो आप, अधिकार नहीं कहेंगे तो सुविधाएं कह सकते हो। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों पर कोई टैक्स नहीं होता। बात वेतन और भत्तों की कह रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों पर कोई टैक्स नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इनसे अलग जो दूसरी बात आती है कि भाई राष्ट्रपति को जो है, मतलब ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही कोर्ट के समक्ष बुलाया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है, ना ही उन पर कोई वारंट वगैरह जारी हो सकता है, ना मुकदमा चल सकता है, और ना ही उन पर कोई टैक्स लगता है। ठीक है, दूसरी बात आती है इनके कुछ अब कार्यों के बारे में करते हैं। तो राष्ट्रपति को कुछ कार्यपालिका शक्ति दी गई है। कार्यपालिका से संबंधित शक्ति दी गई हैं, कुछ विधायिका से संबंधित शक्ति दी गई हैं, अलग अलग होती हैं, कुछ न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां दी गई हैं। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें देखना कि वीडियो भी कितनी लंबी हो रही है, तो इस सिर्फ एक पॉइंट और ले लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम कहते हैं नियुक्ति करने की शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, किस किस की नियुक्ति करता है वो देखते हैं। अपॉइंट करना, नियुक्त करना है नहीं, अपॉइंट करना, किस किस को अपॉइंट करता है। देखिए, ये जरूर याद रखना है, बहुत अच्छे सवाल इसमें से निकल कर आते हैं बार बार। तो राष्ट्रपति पहली बात तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और अन्य मंत्री का मतलब, इसका मतलब जो भारत सरकार की जो संसद के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसके सारे मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अन्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि भैया उड़ीसा के मुख्यमंत्री को ये नियुक्त करेगा, राज्य से नहीं, सिर्फ देश की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पहली चीज। इसके बाद अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल हिंदी में बोलते हैं भैया महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी कैग की नियुक्ति करते हैं। सॉरी अगर मैं पढ़ाते वक्त राष्ट्रपति जी के मतलब कुछ सम्मानजनक शब्द नहीं निकल पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमें कभी भी बोलने में भी राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हमारा संविधान यही कहता है, हमें करना भी चाहिए। तो अगर देखिए, पढ़ाते वक्त कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वो भूल जाते हैं, लेकिन सम्मान जो है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ
जो भी वीडियो देख रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि कभी भी राष्ट्रपति जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो उनकी गरिमा को, पद की गरिमा को ठेस पहुँचाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी कैग की नियुक्ति भी करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैग, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। इसके बाद विभिन्न देशों में राजदूत और उच्चायुक्त राजदूत का मतलब होता है एम्बेसडर, इंग्लिश वाले देख लेना, और उच्चायुक्त का मतलब होता है हाई कमिश्नर, हाई कोर्ट नहीं है, हाई कमिश्नर है। ठीक है, तो राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। अब ध्यान से सुनना भाई इस बारे में, राजदूत और उच्चायुक्त पोस्ट एक ही है, नाम अलग अलग है। तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश राजदूत बुलाते हैं। अगर हम अपने किसी मतलब एक दूत को, जो सबसे बड़ा दूत होगा इंडिया का अमेरिका में जाएगा, तो हम उसको राजदूत बोलेंगे। अमेरिका का यहाँ पर आएगा तो उसको राजदूत बोलेंगे, एम्बेसडर बोलेंगे। लेकिन ब्रिटेन में उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर बोला जाता है उसको, ब्रिटेन से संबंधित कुछ देशों में उसको हाई कमिश्नर का नाम दिया गया है। नाम अलग है लेकिन पोस्ट सेम है, काम भी सेम है। ठीक है भाई, याद हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैग, राजदूत और उच्चायुक्त। इनके बाद आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश। याद रखना के सभी, सभी का मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, जिनमें हम मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। इससे अलग उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। अब मान लिया किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे पंजाब का है भाई, चाहे मेघालय की मतलब पूर्वोत्तर भारत में है, चाहे आपका दक्षिण भारत में, सभी राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्लियर हो गया। दिल्ली पुलिस ने स्पेशल पूछा था भाई, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, दिल्ली पुलिस पूछ चुकी है इस चीज को, और ऑप्शन था राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, इस तरह के चार ऑप्शन बना दिए थे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके बाद यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इनसे अलग अब हम कहेंगे चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है। ये राष्ट्रपति जी की नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। ठीक है भाई, राष्ट्रपति इतने सदस्यों को नियुक्त करते हैं। अभी मैंने राष्ट्रीय स्तर के आयोग क्यों लिख दिया, कई बार आ जाता है वित्त आयोग, कई बार आ जाता है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, कई बार दूसरे आयोग आ जाते हैं, मानव अधिकार आयोग आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय स्तर के आयोग होंगे उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। आज हमने राष्ट्रपति की कुछ अधिकार और शक्तियों के बारे में शुरू कर दिया है, और आपको भी लग रहा है कि इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है। अभी राष्ट्रपति के बारे में और वीडियोज भी आएंगे आपके सामने, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी सवाल आए 100% आपका वो ठीक होना चाहिए, और ये भी गारंटी है भैया सवाल आएगा। एसएससी पूछेगी भाई, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा तो आप उन एग्जाम्स में अलग अलग डेट में हो रहे हैं उनको उठाकर देखना, राष्ट्रपति से संबंधित सवाल मिलने ही मिलने हैं। इसीलिए हम इस पर फोकस भी इतना कर रहे हैं भाई। और देखिए भाई, फिर दूसरी बात यह होती है कि अगर हमें लगता है, ऐसा भी हो जाता है कि कोई भी टीचर बहुत लंबा टॉपिक पढ़ा देता है,
15 दिन एक टॉपिक में लगा दिए, लेकिन ये तो गारंटी 100% होती ही नहीं है कि 15 दिन टीचर ने पढ़ाया और उसमें से एक भी क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे गारंटी थोड़ी है। सपोज कीजिए किसी टीचर ने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया और 15 दिन में उन्होंने मध्य भारत यानी कि चलो मुगल काल के बारे में पूछा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में हिस्ट्री से सवाल आए, एक प्राचीन भारत से आ गए, एक आधुनिक भारत से आ गए, मध्य भारत से कोई सवाल नहीं आया, ऐसा भी हो सकता भाई, संभव कुछ भी है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, कहीं से भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, खेलों के बारे में आपने इतना पढ़ा, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, लेकिन खेलों को छोड़ थोड़ी सकते, हो सकता है 4 सवाल आ जाए, तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है भैया। तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, हमारी हर वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखना राष्ट्रपति के बारे में, और एक एक पॉइंट को मैं इतना जो टाइम लगा रहा हूँ इसीलिए लगा रहा हूँ, इसके महत्ता बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसा भी है कि इसके बाद जो है दूसरी चीज़ें बहुत शॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी हमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में भैया इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।